हेलो, आवाज आ रहा है? यार प्रॉब्लम ये है ना, ये लाइट सीधा मेरे विजन पे आ रही है तो मेरे को कुछ दिख ही नहीं रहा है। जोर से आवाज करिए थोड़ा सा। बहुत जल्दी बुला लिया। बैठ सही है। तो बहुत ही फकवाल परफॉर्मेंस था। तो
बहुत ही एम्बैरेसिंग था वो मोमेंट मेरे लिए, एंड छोड़ दिया मैंने गाने वो टाइम पे। फिर मैं सोचा उसको अलग हो क्या कर सकते हैं, तो मैं इलोन मस्क का फैन हो गया था तो मैं बोला मैं भी उसको खुद की कंपनी शुरू करना चाहता हूँ, ऐसे वाइल्ड थॉट्स। तो उड़ने वाली गाड़ी बनाने का मेरे दिमाग में घुस चुका था। एंड एक एरोमोबाइल करके, किसी को पता एरोमोबाइल करके गाड़ी है जो ऑलरेडी उड़ने वाली गाड़ी बनी है, तो मुझे उसका एडवांस मॉडल बनाना था। सो आई स्टार्टेड लर्निंग ऑन दैट, एंड फिर मैंने डिजाइन सीखा, फिर इंजीनियर एक्चुअली डिप्लोमा में तो मैंने टॉप मारा, फिर मैं इंजीनियर गया एंड वहां पे मैंने थोड़ा सा एडवांस नॉलेज देना शुरू किया एरोमोबाइल का, मैकेनिकल का, और उसमें मैंने कुछ बहुत सारे डिजाइन सॉफ्टवेयर सीखे जैसे सीमेंस एनएक्स, कडिया प्रोई। भी तुम लोग बोल रहे हो कि ये क्या कर रहे हैं, एंगल पैच की बातें कर रहे हैं, बट हाँ यही यही चीज मेरे लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट थी उस टाइम पर। और मैं कुछ और कुछ सोचता ही नहीं था, यही चीज करनी है, यही चीज में मेरे को बनना है। और ऐसे मैंने मैजिक हो गया, उसके बाद उड़ने वाली गाड़ी हो गई, चेस हो गया, मैंने चेस सीखा, मैं नेशनल लेवल प्लेयर बन चुका था चेस का। तो अभी समझ नहीं आ रहा था कि करना क्या, बहुत सारी चीजें ट्राई कर रहा हूँ इसमें करियर बनाना है, कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो मेरे बाजू वाले घर में हमारा भाड़े का घर होता था, मतलब ऐसा सिंपैथी के लिए नहीं बता रहा, हमारे बाजू वाले घर में एक लौंडा रहने का आया, तो उसने वाईफाई लगाया घर में, तो नेटवर्क आता था मुझे। तो मैंने एक दिन उसको बोला कि ब्रो अपन ये वाईफाई का बिल स्प्लिट कर देते हैं, मैं भी यूज करूंगा तू भी यूज कर, तो बोला ठीक है। फिर फर्स्ट टाइम तब घर में वाईफाई आया, अच्छा इंटरनेट स्पीड आया, पहली वेबसाइट मैंने खोली यूट्यूब, क्योंकि सारी चीजें यूट्यूब से सीखी लाइफ में, मैजिक हो कभी डिजाइन ट्यूटोरियल्स हो या फिर कॉलेज में एक्सपेरिमेंट के जो एग्जाम्स होते थे प्रैक्टिकल एग्जाम्स, उसमें भी यूट्यूब के प्रैक्टिकल सेशंस देख के जाता था मैं, तो यूट्यूब ही लाइफ की हो टाइम पे। फिर धीरे 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 आई स्टार्टेड वॉचिंग सम क्रिएटर्स, प्यूडीफायर वॉज वन ऑफ द क्रिएटर जो मैं देखता था, क्योंकि मुझे पता चला कि वो दुनिया का सबसे बड़ा क्रिएटर है, एंड वो टाइम पे मुझे नहीं पता था कि यूट्यूब क्रिएटर्स क्या होते हैं, मुझे लगता था यूट्यूब के एम्प्लॉइज है, वही पैसा दे रहे लोग बना रहे और वेबसाइट चला रहे, बट नहीं मुझे लगा कि ये लोग खुद बना रहे और खुद कॉन्टेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, एंड ये क्रेजी चीज है, ये इंडिया में भी चली। तो मैंने यूट्यूबर होना ठान लिया। तो पहले के जो 3-4 साल थे वो बहुत अजीब थे, पहले मैंने जो मैंने डिजाइन मैंने सीखा था सीमेंट्स में कटिया में, वो डिजाइन के सॉफ्टवेयर ट्यूटोरियल्स में सिखाता था यूट्यूब पे, मेरा एक चैनल का नाम था प्रायल डिजाइन करके। तो 1.5 साल तक चला वो चैनल, फिर वो जो सॉफ्टवेयर्स में सिखाता था वो कंपनी ने कॉपीराइट स्ट्राइक मार दी, और एक दिन में वो चैनल मेरे सामने से गायब, यूट्यूब को कॉन्टेक्ट किया वो भी बोले नहीं आ सकता, बट करना तो यही था, अभी ठान लिया था, दिल को भी अच्छा लगता था ये वाला रास्ता, मेरे को लगता था कि लाइक कभी कुछ दिखता ही नहीं था मेरे बाजू बाजू का, जो कर रहा वही करना, एंड उसी में फेल या सक्सेस होना, फिर बोले यूट्यूब तो नहीं छोड़ना। फिर उस टाइम पे टेक्निकल मुझे बहुत फेमस है, तो मैं भी सोचा कि अपने खुद का टेक चैनल बनूंगा, तो मैंने प्रायस टेक्नोलॉजी करके एक चैनल खोला, वो भी नहीं चला, फिर प्रायस गेमिंग करके चैनल खोला, वो भी नहीं चला, फिर प्रायस कॉमेडी करके चैनल खोला, वो भी नहीं चला। तो थक गया था, करूँ क्या, मैं एडिटिंग सॉफ्टवेयर बहुत सारे सीख लिए थे, एंड कॉमेडी एक ऐसा जॉनर था जो 2016-17 में बहुत फटा, जिसमें भुवन धाम क्यारी कंजलानी बहुत सारे क्रिएटर्स फट रहे थे, एंड मैं खुद एक्चुअली बहुत बोरिंग इंसान हूँ, जरा भी फनी नहीं हूँ, कभी स्कूल में कॉलेज में भी फनी नहीं था, तो कभी सोचा नहीं कॉमेडी करूँ,
बट फिर भी मैंने स्क्रिप्ट लिखी, स्क्रिप्ट लिखी और सोचा रहा कि इसके साथ करूँ क्या। शूट करने के लिए कैमरा नहीं था और ना ही बात देने वाले कैमरे के लिए पैसे, तो शूट तो नहीं कर सकता। तो वो टाइम में मैं क्रिएटर को देखता था, क्रिएटर का नाम है ग्रेडर डर। वो क्या करता है, एमएस पेंट पे उसने अपने दो कैरेक्टर बनाए थे, वो हिलते भी नहीं थे ज्यादा, सिर्फ उधर खड़े थे और कॉमेडी करता था और वो बहुत फनी लगता था। तो मैंने भी एमएस पेंट खोला, उसमें मैंने कुछ तो कैरेक्टर बनाया और अपनी स्क्रिप्ट रिकॉर्ड की और डाल दी, ऐसे दो तीन वीडियो डाले तो 100-150 व्यूज आने शुरू हो गए। तो बोला चलो ठीक है, कॉमेडी समथिंग पीपल आर लाइकिंग, बट इतना इजी नहीं था। अभी लाइफ में देखो कुछ भी करना होना, ये समझना बहुत दूर है, ये समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मेरे इस काम को तो समाज के सामने कैसे लाए, लोगों के सामने कैसे लाए, और वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बहुत सारे आर्टिस्ट को मैंने देखा है, बहुत उच्च दर्जे के आर्टिस्ट है, कोई म्यूजिशियन है, कोई सिंगर है, कोई राइटर है। प्रॉब्लम उन लोगों के साथ ये है कि उनका कंटेंट कोई देखता नहीं। क्यों नहीं देखता? क्योंकि एक आर्टिस्ट का एक वे ऑफ थिंकिंग होता है एंड डिजिटल में कंटेंट क्रिएटर का एक वे ऑफ थिंकिंग होता है। डिजिटल कंटेंट क्रिएटर ऐसा सोचता है कि अभी दुनिया में क्या चल रहा है, उस चीज के ऊपर मैंने अपना टैलेंट लगाया, आर्ट लगाया, तो वो चीज चलेगी, लोगों के सामने आएगी, लोग क्लिक करेंगे। दिनचर्या गुजर इसको बताया। 2017 में दिनचर्या गुजर बहुत वायरल थी, सबको पता ही होगा। तो मैंने एक कैरेक्टर बनाया, एक ऐसा स्टिक फिगर दिनचर्या गुजर का कैरेक्टर बनाया और एक लता मंगेशकर का कैरेक्टर बनाया, और मैंने वीडियो बना दिया लता मंगेशकर रिएक्शन ऑन दिनचर्या गुजर। वो कुछ 1 मिनट 18 सेकंड का वीडियो था। मुझे याद है 2000 सब्सक्राइबर्स थे मेरे और वो वीडियो ट्रेंडिंग पेज पे था। तो इतना तो मेरे को पता चल गया कि चलो मेरा कंटेंट लोगों के सामने आ चुका है। फिर दूसरा स्टेप ये आता है कि लाइफ में जब भी तुम्हें अटेंशन मिले तो उसका इस्तेमाल बहुत जल्दी करना इंपॉर्टेंट है, तो टाइम स्पेंड चला जाता है। तो जैसे ही मेरा वीडियो वायरल हुआ, मैंने रात 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 बहुत सारे वीडियोस आने शुरू किए कॉमेडी एंड पीपल आर लाइकिंग इट। तो अचानक से 2000 से 2 लाख तक चढ़ा, कैसे गया पता नहीं, बहुत सारे लोग जानने लगे। मुंबई में एक दोस्त था मेरा सुमित करके, सुमित काफी का, तो उसने कॉल किया, तो दोस्त बना होगा मैं, तो उसने कॉल किया, वो बोला ब्रो तू ये जो बना रहा है तो कितना कमाता है? तो अगर YouTube CPM के हिसाब से अगर देखा जाए तो मैं 20,000 रुपये भी कमा रहा था, मेरे व्यूज मिलियंस में आ गए। तो मुझे डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है मेरे को नहीं पता, मैंने कभी सुना ही नहीं था। तो वो आया मुझे बोला ब्रो तेरा जो कंटेंट है इसकी लाखों में वैल्यू है। बोला क्या बात कर रहा है, ऐसा आधी गालियां दे रहा हूँ, स्टिक फिगर है, एनिमेशन तो जमता नहीं मेरे को, तो क्या बात कर रहा है? बोला हाँ ब्रो लाखों में वैल्यू है। ठीक है प्रूव करके दिखा। तो उसने मुझे एक ब्रांडी ला के दिया, मैंने वो ब्रांडी दिया, इतना कॉन्फिडेंस आया मेरा कॉलेज खत्म होने से पहले मॉम डैड को घर गिफ्ट किया, इतना कॉन्फिडेंस, मैं लोन भी लेके घर गिफ्ट किया। तो अच्छा लग रहा था वो टाइम पे, उछल रहा था। फिर धीरे धीरे नंबर भी बढ़ रहे थे। मुंबई आने का इसलिए सोचा क्योंकि पुणे में उस टाइम पे ज्यादा क्रिएटर्स मुझे मिल नहीं रहे थे टू क्रिएट अ टीम। अभी क्या है ना, कोई भी कंटेंट तुम्हें पता है कि तुम अच्छा कंटेंट बना सकते हो, लेकिन मुझे इतना पता था, सेल्फ अवेयर था मैं कि मैं कोई आर्टिस्ट नहीं हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं जुगाड़ू आदमी हूँ, मैं कॉन्टेंट बना रहा हूँ और व्यूज आ रहे हैं और ये रुक में कभी ना कभी। तो इसको अपग्रेड करना, एक्सपेरिमेंट्स करना बहुत इंपॉर्टेंट था, और उन चीज़ों के लिए टीम की जरूरत बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो पुणे में नहीं मिल रही थी मुझे।
सुमित बोला कि ब्रो मुंबई आ जा, तो मुंबई आया, मुंबई की लाइफस्टाइल में घुस गया। वहां पे मुझे कुछ टीम मेंबर्स मिले, तो टीम बनाए, टीम आईडी, उसमें से कुछ मेंबर्स इधर बैठे, तो टीम आईडी बनाई। फिर आई स्टार्टेड अप्रिशिएटिंग अदर्स एफर्ट इन द वीडियो, कि तू एनिमेशन में कुछ नया कर सकता है, ठीक है। मैंने उसको चांस दिया, भाई कुछ करके दिखा, उसने किया, हम मैंने वीडियो में डाला। और ऐसे ऐसे करते करते टीम बिल्ड हुई, एंड अभी 4 साल हुए मुझे यहाँ पे मुंबई में हूँ, एंड सीख रहा हूँ, जमाने को सीख रहा हूँ, दुनिया को सीख रहा हूँ। 3 साल तक ऐसा लग रहा था कि लाइफ में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें, अभी ऐसा लग रहा है कि कोई चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, जो 3 साल पहले करता था वही चीज करनी है, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो ये तीसरा पर्सपेक्टिव है जो लाइफ में है, बहुत काम आता है कि सक्सेस के साथ बहुत सारी चीजें जुड़ जाती है जो एक्चुअली में इम्पोर्टेंट नहीं होती, कुछ लोग जुड़ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल पार्टियों में जाने का बहुत शौक चल गया था मुझे, तो वो भी चीजें साथ में जुड़ जाती है। तो सक्सेस के साथ ये सब चीजें तुम्हें इम्पोर्टेंट लगनी शुरू हो जाती है, क्योंकि तुम्हें लगता है तुम्हारे पास पैसा है, ये है वो है, कर सकते हैं। तो वो रियलाइज होने में मुझे 3 साल लगे। एट दी एंड तुम कुछ भी करो, तुम लोग की वैल्यू से, तुम लोग के काम से और किसी चीज से, दुनिया में माँ बाप के अलावा कोई अपना नहीं होता। तो वो चीज सीखने में 3 साल लगे मुझे। फिर वापस काम पे फोकस किया और यहाँ पे पहुंचा हूँ अभी अपने टीम के साथ, कुछ फ्यूचर प्रोजेक्ट्स है वो कर रहा हूँ। एक चीज बहुत चलती है इंटरनेट पे कि फेस रिवील क्यों नहीं करता, फेस रिवील क्यों नहीं करता। जब मैंने यूट्यूब शुरू किया था तब कैमरा था ही नहीं, मेरे पास वेबकैम भी नहीं था, और ना ही मैंने कभी माइंड में कभी सोचा था कि मैं फेमस हूँ। मुझे बस घर पे बैठ के काम करना है, घर पे बैठ के पैसे कमाने हैं, तो बस उसी पे कॉन्सेंट्रेट किया, वीडियो बनाता गया। याद है मुझे 50,000 पे मैंने बोला था कि 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स पे मैं फेस रिव्यू करूंगा, सॉरी कि 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स पे फेस रिव्यू करूंगा। तो तब मेरे माइंड में चल रहा था, एटलीस्ट 1.5-2 साल तो लगेंगे, तब तक कुछ तो कर लेंगे, 1.5-2 महीने में 1 मिलियन हो गए मेरी पड़ी, कभी करे क्या। तो मैं बात की अपने दोस्त, बोला वो क्या करना है अभी, मेरे को तो नहीं करना पैसे के। तो वो बोला तुम सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं, तेरे दिमाग में कुछ है क्या। तो मैं बोला देख मैं एलन वॉकर का फैन हूँ, कूड़ी पीड़ी बना लेते हैं इंडिया में का मास बीज डाल के, कुल लगेगा। वो भी बोला कुल लगेगा, ठीक है। मैं भी थोड़ा एक्साइटेड हो गया, वाह एलन वॉकर टाइप मास्क, मास बीज डाल के, कूड़ी पीड़ी डाल के, कुल लगने वाला हूँ मैं अभी। तो फेसिल भी हो रहा है, अचानक 2 बजे रात को कॉल आता है मेरे को, बोलता है ब्रो तूने मार्शमेलो का नाम सुना है। मैं बोलता तू मेरे सर पे मटका डालने वाला है। तो बोला हाँ वैसा ही कुछ, बोला नहीं ब्रो मटका लेके तो नहीं घूमना मैं सर पे। तो सोचा 1 महीना उस चीज के ऊपर, फिर बोला ट्राई करते। तो एक गणपति बनाने वाले लोग होते ना उनके पास जाते हैं, बोला कि हेलमेट बनाना है। रेफरेंस के लिए मैंने अपना कुछ 2D ड्रॉइंग्स दिया, 3D में कुछ था नहीं, तो मैंने एंग्री बर्ड के रेफरेंस भेज दिया। तो उसने मेरे को 4,500 का एंग्री बर्ड बना के दिया, वो पहना मेरी गलती ना कर ली थी। तो मैं बोला ये तो नहीं हो सकता ब्रो। तो मेरा भी बैकग्राउंड थोड़ा डिजाइन से था, मैकेनिकल से था, तो मैं किसी एक 3D प्रिंटर आर्टिस्ट से मिला, उसको बोला कि ब्रो अपन कैड पे डिजाइन करते। उसके साथ बैठा, उसे मैंने पूरा स्कैन किया सर, और फिर कुछ 1.5-2 महीने के डिजाइन के बाद ये डिजाइन रेडी हुआ। फिर इसको 3D प्रिंटर मशीन में डाला और तब जाके हेलमेट आया। तो जब हेलमेट आया मैंने पहना,
सबसे पहली चीज मैंने की मैं मार्शल से मिला, मैं मतलब भाई जैसे इंस्पिरेशन लिया तो लॉन्च भी तेरे साथ ही कर रहा है, तो मेरे को कॉन्फिडेंस बहुत था, मेरे को मार्शल से मिला है, मेरे को पता था मैं बहुत छोटा क्रिएटर हूँ, कुछ भी बोल रहा हूँ। बट हाँ, कुछ लोगों को मेरे पे विश्वास था कि मैं कुछ करूंगा लाइफ में, उन लोगों ने कुछ तो जैक निकाला, मार्शल भी अपना गाना प्रमोट करने शायद इंडिया आया था, तो सुबह हाउस में उससे मिला, उसके साथ फोटो खींचा एंड तब आई डिड दिस रिवील, एक रिवील वीडियो बनाया था, उसमें बहुत सारे यूट्यूबर्स थे, वो वीडियो भी मस्त चला, तो सब सही चल रहा है। फिर अभी फेस रिवील वापस कभी कर रहे हैं आज, आज अभी तो ऐसा था कि मैं जब कार्टून बना था, पहले भी कार्टून देखता था, बहुत सारे कार्टून देखे, बहुत सारे लेजेंडरी कार्टून होके गए, बहुत कम लोगों को पता है कि उन लोगों के क्रिएटर्स कौन है, वो बनाए किसने, एंड वो चीज मेरे को बहुत फैसिनेटिंग लगी, एंड वो चीज मैं संभालना चाहता हूँ, वो मुझे भी चाहिए, तो मैं बोला कि वो मैंने अपना पूरा लाइफ अभी 5 साल काम सब एंग्री मैच को दिया है, मुझे खुद से सीखा कि कोई कंटेंट बनाना नहीं है, मैं एक्टिंग कर सकता हूँ, तो कोई पॉइंट नहीं है, सो दिस इज द सिंबल ऑफ व्हाट आई क्रिएट एंड दिस इज आई वांट पीपल टू रिमेंबर एंड दैट्स व्हाई आई डोंट डू फेस इट मे बी वन डे बट अभी तो फील नहीं होता, बट क्या मतलब ये फेस अच्छा नहीं दिख रहा क्या? नहीं चलो तो कुछ नहीं, अभी 6.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स है एंड अभी तो यही लाइफ का गोल है कि पूरी लाइफ लोगों के लिए काम करता रहो, एंटरटेन करता रहो एंड 6 मिलियन नंबर्स को अभी ज्यादा मैटर नहीं करते, वेब सीरीज बनानी है, मूवीज बनानी है, बहुत सारे प्लान्स हैं, बट लाइफ में मैं बहुत चीजें अभी सीख रहा हूँ कि खुद को टाइम देना एंड खुद को इम्पोर्टेंस देना बहुत इम्पोर्टेंट है, काम को थोड़ा देर साइड रखना एंड खुद के बारे में सोचना भी बहुत इम्पोर्टेंट है, हमेशा काम में घुसे रहोगे टाइम कब निकल जाएगा, लाइफ कब निकल जाएगी कुछ पता नहीं चलेगा, एंड बस लास्ट में यही मैसेज दूंगा, मैं जितने भी लोग क्रिएटर बनना चाहते हैं, पहली चीज तो जब तुम क्रिएटर बनोगे अपने आप को आर्टिस्ट मत समझना, क्योंकि वो एक आर्टिस्ट की ईगो आ जाता है अंदर, तो वो हम लोग जुगाड़ लोगे, जुगाड़ बना के कॉन्टेंट किए, जुगाड़ बना के करते रहेंगे एंड वही चीज पे फोकस करोगे तो लंबा चलोगे, लंबा खेलोगे, बाकी कुछ नहीं। थैंक यू सो मच, एंग्री आने